गुची इटालियन मूल का एक प्रसिद्ध फैशन हाउस है जो कि प्रीमियम क्लास के जूते, कपड़े, वस्त्र, सौंदर्य प्रसाधन और सामान के उत्पादन में विशेषज्ञता रखता है। आज ये ब्रांड बहुराष्ट्रीय रिटेलर केरिंग का हिस्सा है। इसे लुईस विटान के बाद दूसरा सबसे बड़ा बिक्री लेबल माना जाता है। गुच्ची की कहानी एक व्यक्ति गुच्चियो गुच्ची से शुरू होती है। उनका जन्म फ्लोरेंस के फिरेंजे में 1881 में इतालवी कारीगरों के एक साधारण परिवार में हुआ था। जब एक युवा 23 साल का हो जाता है तो वो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का फैसला करता है। इस तरह अपने पिता के निरंतर विचारों और नैतिकता से खुद को मुक्त करता है तो 1904 में हार्नेस के उत्पादन में विशेषज्ञता वाली एक कार्यशाला फ्लोरेंस में दिखाई दी। इसे गुची हाउस नाम मिला। हालांकि युवा और अनुभवहीन गुच्चियों व्यवसाय को बड़ा करने में सफल नहीं हुए और जल्द ही उन्हें कर्जों के कारण अपना व्यापार बंद करना पड़ा, जिसके बाद एकमात्र नौकरी जो गुच्चियो गुच्ची को मिलती है वो लग्जरी होटल द सेवॉय में एक कूली की रहती है। हालांकि अपनी तमाम नाकामियों से सीखते हुए वो लगातार मेहनत करते रहे और ये उनकी वही मेहनत थी जिसने बाद में उन्हें अपना खुद का फैशन हाउस बनाने में मदद की, जिससे न केवल इटली बल्कि पूरी दुनिया को जीत लिया। कूली के काम करते करते उन्होंने तमाम चीजें सीखी जो उनके आगे बिजनेस में काम भी आई, लेकिन उन्होंने सोचा कि सेवॉय होटल में 10 साल से अधिक काम करने तक फोरमैन की नौकरी करने से केवल उसी होटल के रेस्टोरेंट में वेटर की स्थिति तक वो आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए 1921 में सेवॉय से बर्खास्त होने के बाद गुच्चियो ने इसमें एक नई कंपनी खोलने के उद्देश्य से इटली लौटने का फैसला किया। 1922 में फ्लोरेंस लौटने पर इतालवी ने अपना दूसरा कारोबार खोला, एक कंपनी जो वास्तविक चमड़े से बने अभिजात सामान का उत्पादन करती है। शुरुआत में जॉकी और घोड़े के दोहन के लिए सूट, साथ ही बैग, वेज बैग और सूटकेस जैसे उत्पादों को ट्रेडिंग शॉप से प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद देखते ही देखते ही व्यापार तेजी से विदेशों में फैलने लगा। 1937 तक एक शौकिया परिवार की दुकान कार्यशाला धीरे धीरे एक छोटे कारखाने के पैमाने तक फैल रही थी, जिससे कि हैंडबैग, रेटिक्यूल्स और दस्ताने के बड़े पैमाने पर उत्पादन को व्यवस्थित करना संभव हो गया। इटली के अलग अलग शहरों में और आउटलेट्स उभरने लगे और कुछ ही सालों में गुच्ची आधिकारिक स्टोर संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क में मैनहट्टन के 5वें फिफ्थ एवेन्यू में खुलता है। इस तरह से एक युवा इतालवी कंपनी दुनिया भर में जानी जाने लगती है। 1953 में कंपनी के संस्थापक गुच्चियो गुच्ची का निधन हो गया और ब्रांड के भाग्य की जिम्मेदारी उनके सबसे बड़े बेटों एल्डो और रोडोल्फो के कंधों पर आ गई। पिता की इच्छा के अनुसार उनमें से प्रत्येक को कंपनी का 50% शेयर और हस्ताक्षर करने का अधिकार प्राप्त हुआ। एल्डो ने जल्द ही परिवार के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका जाने का फैसला किया, जबकि रोडोल्फो घर पर ही रहते थे और घरेलू उत्पादन और माल की बिक्री को नियंत्रित करना जारी रखते थे। कुछ समय बाद कंपनी में थोड़ा उतार चढ़ाव भी आता है जब कंपनी लॉस में चली जाती है, जिसके बाद ज्यादातर जिम्मेदारियां एल्डो के कंधे पर आ जाती हैं और वो इन गर्दिशों के दिनों में तेजी से अपने दिमाग का इस्तेमाल करके नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करते हैं, जिसके चलते कुछ सालों बाद उनके बिजनेस में हुए लॉस को वो दोबारा से प्रॉफिट में तब्दील कर देते हैं और उसके बाद कंपनी ऐसी चलती है कि दुनिया भर की बड़ी से बड़ी शख्सियत गुच्ची ब्रांड की दीवानी हो जाती है। अगर आज के दिनों में गुच्ची को देखा जाए तो ये एक ऐसा ब्रांड बन चुकी है जिसके सामान महंगे होने के साथ साथ अच्छी क्वालिटी के होते हैं और ये बात पूरी दुनिया जानती है। आज दुनिया भर में इसके कई शोरूम हैं जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो इसीलिए जीवन में कभी किसी को अपनी सीमाएं तय नहीं करनी चाहिए। आप जो चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, बन सकते हैं। बस आपको खुद पर भरोसा रखते हुए जीवन में आने वाली हर चुनौतियों को डटकर सामना करना है और सफल होना है।